सो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूंगा कि जो जो चैनल पे नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पहले ही आप लोगों को बता दूं कि एपिसोड नंबर 138 से लेकर 140 तक फिलर है, तो मैं उनको 141 के साथ ही कवर करने वाला हूं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कुछ क्रिमिनल्स को जहाज में बिठा के समुद्र के रास्ते एक प्रिजन पे ले जाया जा रहा होता है, जो कि स्पेशली शिनोबी प्रिजन होता है। तो वहां का जो लॉर्ड होता है, लॉर्ड मुजो, वो उन सब प्रिजनर्स के ऊपर सेलेस्टियल प्रिजन जुत्सु का इस्तेमाल कर देता है। और फिर वो बोलता है कि तुम सब ने ऐसे ऐसे क्राइम किए जिसके कारण तुम लोग शिनोबी कहलाने के लायक नहीं हो और तुम सब लोगों को सजा दी जाएगी। तुम सब लोगों के ऊपर मैंने सेलेस्टियल प्रिजन जुत्सु का इस्तेमाल किया जिससे तुम लोग अपने चक्र का इस्तेमाल नहीं कर सकते और कोई भी निंजुसु नहीं यूज कर सकते। तुम लोग देखते हैं उनमें से दो प्रिजनर्स जो होते हैं वो और कोई नहीं बल्कि बोल्टो और मिस्की होते हैं। और जो लॉर्ड होता है वो बताता है कि अब तुम्हें आगे की सारी डिटेल्स ऑफिसर बेंगा बता देंगे। तभी हम लोग होते हैं वहां पे ऑफिसर बेंगा आते हैं और बोलते हैं थैंक यू सो मच लॉर्ड मुजो, अब इन सब लोगों को मैं संभालूंगा, आप चिंता मत कीजिए। फिर वो उन लोगों को बताता है कि तुम लोगों ने आज से बाहर जो भी काम किया था वो तुम्हारे इसका यहाँ पे कोई भी काम नहीं आने वाला, यहाँ पे सिर्फ दो ही रूल है जो तुमको फॉलो करने हैं। पहला रूल जो ये है कि जो मैं बोलूंगा वो रूल है, तुम्हें उसको फॉलो करना ही है। तो बोल्टो बोलता फिर दूसरा रूल क्या है? तो ऑफिसर बेंगा बोलता तुम्हें किसने बोला बीच में बोलने के लिए, और उसको डांट देता है। फिर वो उसके पास में आके बोलता दूसरा रूल ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम मारे जाओ, लेकिन फिर भी तुम पहले रूल को कभी भी नहीं भूलोगे। और फिर वो बोल्टो का सर पकड़ते हुए बोलता है कि तुम ये मत सोचना कि तुम बच्चे हो, मैं तुम्हारे पर इजी हो जाऊंगा या फिर तुम्हारे ऊपर नरमी बरतूंगा। तभी हम लोग होते हैं उनमें से एक जो प्रिजनर होता है वो वहां से भागने की कोशिश करता है। तब जैसे वो उसकी बाउंड्री से बाहर निकलने की कोशिश करता है वैसे उसका जो सेलेस्टियल प्रिजन जुत्सु होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, उसका पूरी शरीर जलने लग जाता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे बोल्टो और मिस्की को एक मिशन के ऊपर भेजा गया है जिसके कि अंदर उनको मुजीना गैंग के लीडर को ढूंढना है। तो उनको बताया जाता है कि जो मुजीना गैंग है वो आजकल लैंड ऑफ फायर में यानी कि लीव विलेज में बहुत ज़्यादा अटैक्स कर रही है। तो उनके बॉस को अब लोगों को ढूंढना है जिसका कि अब इन लोगों को कुछ भी नहीं पता है कि वो कैसा दिखता है, वो कैसे जुस्सू इस्तेमाल करता है, उसकी एज क्या है, वो रंग क्या है, उसका कुछ भी नहीं पता। तो तुम लोगों को वहाँ पर जाना है क्योंकि उसके जितने भी गैंग के मेंबर हैं उन सब ने शपथ ले रखी है कि कोई भी उसके गैंग के लीडर के बारे में या फिर गैंग के बारे में कोई भी डिटेल नहीं बताएगा। अगर कोई भी पकड़ा भी जाता है और कोई भी बताता है तो उसको मार दिया जाता है। लेकिन हम लोगों को एक एक्सेप्शन मिला जिसका नाम है कोकुरी। उसने हम लोगों को एक लेटर भेजा है कि उसने एक साल पहले लगभग वहाँ पे मनी चुराया था उस गैंग का और वो वहाँ से भाग के आ गया था, वो उसी गैंग का मेंबर था। अब वो हाजुकी नाम के प्रिजन के अंदर है, हाजुकी कैसल जो कि लैंड ऑफ हिडन ग्रास विले संभालता है। तो उन लोगों को काकुरी की एक फोटो भी दिखाई जाती है, बोलता है ये है काकुरी, तुम लोगों को इसको बचाना है क्योंकि अब वो प्रिजन के अंदर है तो उसको दोबारा मारने की कोशिश की जा रही है, इस वजह से उसको प्रोटेक्ट करना। अगर हम लोग उसको प्रोटेक्ट करते हैं तो वो हम लोगों को उस बॉस के बारे में सारी डिटेल्स बताने के लिए राजी हो चुका है। तो मिस्की बोलता है अगर उसके पास इतनी सारी डिटेल्स हैं तो वो प्रिजन वाले भी तो उसको प्रोटेक्ट करेंगे, वो उसको ऐसे ही मरने थोड़ी देंगे। तभी ऑफिस पुलिस ऑफिसर जो होता है वो बताता है कि बड़े नेशंस को ही खतरा है, लैंड ऑफ फायर जैसे नेशंस के ऊपर ही उन मुजीना गैंग ने अटैक किया, हिडन ग्रास विलेज जो है वो उस प्रिजन को संभालता है और हिडन ग्रास विलेज के ऊपर उन्होंने अटैक ही नहीं किया तो उनको मतलब नहीं है। लेकिन हम लोगों ने फिर भी हिडन ग्रास विलेज को एक रिक्वेस्ट भेजी कि उसको प्रोटेक्ट किया जाए, लेकिन हिडन ग्रास विलेज वाले उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे और बोलते हैं कि हम लोगों को अरेंजमेंट करने में कुछ महीने लगेंगे। तभी नारुतो बोलता है कि अगर वो इतने महीने लगाएंगे तो तब तक तो वो जो काकुरी है वो मारा जाएगा, हम लोगों को काकुरी को बचाना है, इसलिए मैं बोरुटो और मिस्की तुम दोनों को अंडरकवर के रूप में भेज रहा हूँ, तुम दोनों वहाँ पे प्रिजनर के रूप में जाओगे और कोकुरी को प्रोटेक्ट करोगे जब तक वहाँ पे अरेंजमेंट नहीं हो जाती कोकुरी को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं वो शिकामारू जो होता है वो बताता है कि वहाँ का जो लॉर्ड है लॉर्ड मुजो वो हमारा दोस्त है तो वो तुम्हारी पूरी मदद करेगा। वैसे तो ये जो मिशन है वो चुनिन क्लास का मिशन है लेकिन तुम लोग जिस टीम को ये साइन किया गया था वो भी बाहर है, वो इस मिशन को कर नहीं सकती, लेकिन तुम भी चुनिन जैसी स्किल शिनोबी हो और वैसे ही वहाँ पे जो है वो निंजुत्सु इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि वहाँ पे सेलेस्टियल प्रिजन जुत्सु इस्तेमाल होता है। तो मिस्की बोलता है इसका मतलब हम भी वहाँ पे कोई भी जुत्सु इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, फिर हम लोग मिशन कैसे करेंगे? तो शिकामार बोलता तुम लोग चिंता मत करो, मैंने लॉर्ड से बात कर दी, लॉर्ड मुझे तुम्हारे पर फेक सेलेस्टियल प्रिजन जुत्सु का इस्तेमाल करेगा जिससे तुम लोग अपने जुत्सु का इस्तेमाल कर पाओगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं बोल्टो और मिस्की का चेकअप करने के बाद में उनको उनके सेल में भेजा जाता है। तभी उनका एक सेलमेट आ रहा है, बोलता तुम लोग तो तीन जने आने वाले थे, एक और कहां गया? तभी एक गार्ड बोलता है कि उसने बाहर भागने की कोशिश करी जिसके कारण वो लकवा मार गया उसको, इसलिए वो हॉस्पिटल के अंदर, वो थोड़े दिनों बाद आ जाएगा। तभी हम लोग देखते हैं बोल्टो वगैरह के सेलमेट जो होते हैं वो तीन होते हैं जिनका नाम होता है अराई, कामता और केदामा। तो उधर सारदा बोलते हैं कि मैं अकेले बाहर क्यों इस मिशन से, मुझे भी तो कोई मिशन मिलना चाहिए। तो नारुतो बोलता है तुम चिंता मत करो सारदा, तुम्हारे लिए एक इंपॉर्टेंट मिशन है। तो हम लोग देखते हैं सारदा का जो इंपॉर्टेंट मिशन होता है वो और कुछ नहीं बल्कि एक एज अ जर्नलिस्ट जाना होता है, उसको एज अ स्टूडेंट जर्नलिस्ट जाना होता है वहाँ पे कि मैं एक आर्टिकल लिखना चाहती हूँ, मुझे अपने सारे प्रिजन के बारे में बताओ। तो ऑफिसर बेंगा जो होता है उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि वो सारदा हर जगह घुमाएगा और पूरे प्रिजन के बारे में सब कुछ बताएगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कामाता जो होता है वो न्यू बीस का यानी कि बोल्टो और मिस्की के ऊपर रैगिंग करते हुए उनका स्वागत करता है। तो मिस्की सबसे जान पहचान करना चाहता है तो वो केदामा से बोलता है कि नाइस टू मीट यू, लेकिन केदामा उसको कोई भी रिप्लाई नहीं देता। तभी अराय बोलता है कि वैसे तुम दोनों लैंड ऑफ वाटर से हो मैंने सुना है ना? तो बोल्टो बोलता है हाँ हम लोग लैंड ऑफ वाटर से हैं, वो झूठ बोल रहा है यहाँ पर, बोलता है कि मैं बोल्टो और ये मिस्की है और तुम अपना नाम बताओ। तो अराय जो होता है वो अपना नाम बताता है और अपने सारे सेलमेट से उसका इंट्रोडक्शन कर देता है। तभी हम लोग देखते हैं
वो बोल्टो से बोलता है, वैसे तुम्हारी सजा कितनी की और तुम लोग यहाँ पे क्यों आए? तो बोल्टो बोलता है मुझे सजा 8 साल की मिला क्योंकि हमने चोरी करी थी। तो बोल्टो जब पीछे मुड़ता तो वो देखता है उसका टूथब्रश गायब होता। तो बोल्टो बोलता मैंने अभी तो यहीं रखा था। तभी वो कमाता की तरफ देखता तो कमाता ने अपने कान पर टांगा रखा होता। तो बोल्टो बोलता तुमने मेरा टूथब्रश चुरा लिया, वापस दो मुझे। तो कमाता बोलता तुम अगर चोरी चीजें इधर उधर रख दोगे तो तुम्हारे नहीं रहेंगी, वो कोई भी उठा सकता है उसको। तभी आ रहा है बोलता अब तुम ध्यान रखना, कमाता ऐसा ही वो कुछ भी कर सकता है, तुम्हें अपनी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तभी हम लोग होते हैं कमाता बोलता मेरी किताब कहाँ गई, अभी तो मैं किताब पढ़ रहा था, अचानक से कहाँ गायब हो गई। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं मीस की उसकी किताब पढ़ रहा होता बड़े मजे से बैठ कर, बोलता तुमने ही तो रूल बनाया था, तुम्हारी नजर हटी तो तुम्हारी चीजें किसी की भी हो सकती हैं, वैसे मैं तुम्हें तुम्हारी किताब दे सकता हूँ लेकिन अगर तुम बोल्टो का टूथब्रश उसको वापस दो तो। यहाँ पे हम लोग देखते सब लोग हंसने लग जाते हैं और राय बोलता कमाता कैसा लगा, मुझे लगता है अब आया हूँ पहाड़ के नीचे तुम्हें, तुम्हारी टक्कर वाला कोई फिलहाल मिल ही गया। तभी आ रहा है नीचे उतरदार बोलता चलो सब लोग खाना खाने का टाइम हो गया, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ सारी जेल के अंदर की सारी चीजें। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं ऑफिसर बेंगा जो होता है वो सारदा को वो कैसल दिखाता है जहाँ पे लॉर्ड मूजो और बेंगा रहते हैं, और वो बताता है कि ये जो पूरा प्रिजन है वो समुद्र से सटा हुआ है तो यहाँ से भागने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। तो सारदा बोलती है लेकिन मैंने सुना है कि यहाँ पे जो सेलेस्टियल प्रिजन जो है वो पानी से दूर किया जा सकता है, पानी से उसको मिटाया जा सकता है। तो बेंगा बोलता है हाँ मिटाया जा सकता है लेकिन थोड़े बहुत पानी से नहीं, बहुत सारा पानी चाहिए उसके लिए, उसको अनबन करने के लिए। वैसे भी हम लोग यहाँ पे उनको नहाने भी नहीं देते और फ्लश वाले टॉयलेट भी यूज नहीं करने देते, तो तुम चिंता मत करो उसको इतनी जल्दी हटाया नहीं जा सकता। और वो उसको एक मेडिकल वार्ड दिखाते हुए बोलता है कि जो कैदी यहाँ पे नाटक करते हैं हम लोगों को दर्द हो रहा है उनको हम लोग मेडिकल वार्ड में थोड़ी देर आराम करने देते हैं। फिर वो सारदा को खाने वाले एरिया में लेके जाता है जहाँ पे बोल्टो और मिस्की ऑलरेडी होते हैं, वो खाना खाने के लिए जा ही रहे होते हैं। तो बोल्टो और मिस्की की नजर पड़ती है सारदा पे और उसको इशारे करते हैं। तभी ऑफिसर बेंगा बोलता है उन पे ध्यान मत दो तुम इधर आओ वरना तुम पीछे रह जाओगी। फिर वो उसको एक वुडन कार्ड दिखाता है और बोलता तुम्हें यहाँ पे किसी भी प्रीमिसेस में जाना हो किसी भी कमरे में जाना हो तो तुम्हें वुडन टैग की जरूरत पड़ती है वरना तुम कहीं भी जा नहीं सकते। तो सारदा बोलती है मैंने सुना है कि सिर्फ एक ही फैमिली के मेंबर जो वो यहाँ के लॉर्ड बनते हैं। तो बेंगा बोलता है हाँ सिर्फ जो क्लैन है जो सेलेस्टियल प्रिजन जुस्सू का इस्तेमाल कर सकता है उसी के मेंबर्स लॉर्ड बनते हैं, लेकिन लॉर्ड मूजो जो है वो प्रिजनर्स के साथ बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, मुझे नहीं लगता इतना सॉफ्ट होना चाहिए। तभी हम लोग वहाँ पे लॉर्ड मूजो आ जाते हैं और वो सारदा से बोलते हैं लेडी सारदा आपकी रिसर्च कैसी जा रही है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे जो दो प्रिजनर्स होते हैं वो आपस में फाइट करने लग जाते हैं। तो लॉर्ड बेंगा जो होते हैं ऑफिसर बेंगा होते हैं वो उनको चुप कराने के लिए चला जाता है। तभी पीछे से लॉर्ड मूजो बोलता है सारदा से कि तुम ठीक तो ना बोल्टो और मिस्की ठीक है? तो बोलते हैं ठीक है आपकी मदद की वजह से। तो लॉर्ड मूजो बोलता है मैं तुम्हारी और ज्यादा मदद करना चाहता हूँ लेकिन मैं यहाँ का लॉर्ड हूँ इसलिए मैं इतनी मदद कर सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जो अराई होता है वो मिस्की और बोल्टो को एक बंदा दिखाते हुए बोलता है ये यहाँ का सप्लायर है, तुम जब तक उसको पैसे दोगे तब तक वो तुम्हें हर चीज़ ला के देगा जो जो दुनिया में मिलती है। तो बोल्टो उससे पूछता है कि मैंने सुना है कि मुजीना गैंग के अभी भी दो मेंबर यहाँ पे गिरफ्तार हुए हैं, वो दोनों यहीं पर हैं, वैसे हम भी चोर हैं तो मैं उनसे मिलना चाहूँगा कि वो लोग कैसे चोर हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। तो अराई उसको बताता है कि उनमें से जो एक है वो तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, तो तुम उससे मिल भी नहीं सकते, उसका नाम सुक्यू है, वो जब यहाँ पे आया था तो आते उसने फाइटिंग स्टार्ट कर दी थी, उसने किसी कोकुरी नाम के एक बंदे का जो भी जो कि उसी की गैंग का मेंबर था उसके साथ फाइट कर दी थी, जिसके कारण कोकुरी जो है उसको तो मेडिकल बोर्ड में भेज दिया गया, उसके तो मजे लग गए लेकिन ये बेचारा जो सुक्यू था उसको वहाँ पे कन्फाइनमेंट जोन में भेज दिया गया। तो बोटो बोलता मेडिकल बोर्ड में जाने में मजे लग गए, तो मिस्की बोलता क्या मेडिकल बोर्ड इतनी अच्छी जगह है? तो अराई बोलता अच्छी का तो पता नहीं लेकिन वहाँ पे एयर कंडीशनर है तो शायद वो अच्छी जगह होगी, यानी कि एसी है वहाँ पे। तो बोटो बोलता फिर तो मुझे वहाँ पे पक्का जाना है। तो अराई बोलता वहाँ पे जाना इतना भी आसान नहीं है, वहाँ के जो डॉक्टर है वो बहुत ज़्यादा चला गया और वहाँ का जो डॉक्टर है वो बेंगा से वैसे भी नफरत करता है तो वो वहाँ पे किसी गार्ड को भी आने नहीं देता। तो जो गार्ड है वो सिर्फ मेडिकल वार्ड के बाहर बाहर रहते हैं, अंदर नहीं आ सकते और वहाँ पे अंदर सिर्फ उस डॉक्टर का राज चलता है। तो बोल्टो बोलता है इतना सुनने के बाद तो मेरा वहाँ पे और भी जाने का मन कर रहा है, मुझे प्लीज़ वहाँ पे ले चलो। तो अराई बोलता है ऐसी कोई बात नहीं कि वहाँ पे जा नहीं सकते लेकिन वहाँ पे जाने का रास्ता बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फिर वो बोल्टो और मिस्की को बाहर ले जाता और बोलता है तुम्हें पता है इसको होजुकी कासल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ होजुकी चाइनीज लैंटर्न के पौधे हैं और जो चाइनीज लैंटर्न का जो प्लांट है वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है, उसके जो लाल वाले जो फल होते हैं वो तो फिर भी कम पॉइजनस होते हैं लेकिन व्हाइट वाला जो फल होता है वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है और वो बहुत दिनों बाद लगता है। एक बार एक कैदी ने वो व्हाइट वाला फल खा लिया था क्योंकि वो उड़ के इधर प्रिजन की साइड आ गया था, तो जब उसने खाया तो उसकी पूरी बॉडी नम पड़ गई और पूरी तरीके से पैरालाइज हो गया। लेकिन ये जो चाइनीज वाले लैंटर्न के जो पौधे हम लोग उनके पास पहुंच नहीं सकते, हम लोगों को तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक वो हवा से उड़ के इधर प्रिजन में ना आ जाएं, तो वो तो तुम भूल ही जाओ कब आए कब ना आए। तभी हम लोग होते हैं वो याराई वो ये बोल के चला जाता है। तो बोल्टो ऊपर की तरफ देखता है कि हर तरफ से गार्ड उनके ऊपर नजर रखे हुए होते हैं। तो बोल्टो बोलता है मैं तो यहाँ से कूद के जा नहीं सकता, हम लोगों को उन वायर के सहारे जाना पड़ेगा। तो बोल्टो बोलता है मुझे नहीं लगता ये वायर जो वो मेरा वजन उठा पाएगी। तो मिस्की बोलता मेरे पास एक आइडिया। फिर वो मिस्की अपने सांप को निकालता है और मिस्की का जो सांप होता है वो वायरों से धीरे धीरे चढ़ के चलाने लगाने लगता है, जाके सोल्जर्स की भी उसके ऊपर नजर नहीं जाती। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे एक गार्ड आता है, बोलता है तुम्हारा रिसर्च टाइम खत्म हो गया जल्दी से चलो तुम्हें तुम्हारा सेल के अंदर जाना है। तो सारे कैदी जाने लगते हैं, बोल्टो और मिस्की वहाँ पे खड़े होते हैं। तो बोलता है तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा तुम्हारा रिसर्च टाइम खत्म हो गया? तो बोल्टो बहाना मारता है कि मेरी शर्ट फंस गई है दोबारा तार के अंदर इसलिए मैं वहाँ पे जा नहीं सकता, प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए। तो जैसे ही वहाँ पे गार्ड आने लगता है तभी हम लोग देखते हैं मिस्की का सांप वापस आ जाता है व्हाइट वाला फल लेके और बोल्टो उस फल को लेकर अराई को दिखाता है।
तो राय बोलता, बोल्टो तुम तो सच में अमेजिंग हो, तुम्हें ये फल मिला कैसे? तो बोल्टो बोलता, यही मान लो कि मैं लक्की था बस। तो राय बोलता, तुम सच में इसको खाने वाले तो नहीं हो ना, इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है। तो बोल्टो बोलता, मैं एयर कंडीशन में जाने का मौका इतनी आसानी से तो नहीं गवा सकता, मुझे इसको खाना ही पड़ेगा। और ये बोल के बोल्टो उसको खा जाता है। तो राय बोलता है कि तुम्हें इसके खाने के बाद जो भी होगा उसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मुझे नहीं पता। और वो ये बोल के बाहर आ जाता है और बोलता, गार्ड जल्दी आओ, यहाँ पे एक बंदे को बहुत ज्यादा बीमार हो गया, जल्दी आओ। तो यहाँ पे हम लोग बोल्टो का पूरा शरीर पैरालाइज हो जाता है और मीस के उसको बोलता, बोल्टो थोड़ी देर रुको, तुम्हें डॉक्टर के पास भेज रहे हैं हम लोग। तब हम लोग कुछ डॉक्टर्स आते हैं और बोल्टो को ले जाते हैं अपने उसके ऊपर बैठ के ऊपर डाल के, और शारदा जो होती है वो ये देख लेती है कि बोल्टो को ले जाया जा रहा होता है। तो हम लोग देखते हैं कि नारुतो ने बोल्टो और मिस्की को बोला था कि ऐसा भी हो सकता है वो जो काकुरी है वो झूठ बोल रहा हो, वो बाहर निकलने के लिए कुछ भी बोल सकता है क्योंकि प्रिजनर्स अक्सर ऐसा करते हैं। तो तुम्हें एक काम करना है कि तुम्हें पता करना है काकुरी जो वो सच ही बोल रहा है फिर नहीं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं बोल्टो का डॉक्टर इलाज करता है और उसको दवाई वगैरह देकर उसका पैरालाइज जो होता है उसको हटा देता है। तो बोल्टो को जैसे ही होश आता है तो वो एक बंदे से बोलता है कि दरअसल मैं यहाँ पे काकुरी नाम के एक बंदे को ढूंढ रहा हूँ, तुमने उसे देखा है? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं वहाँ पर ऑलरेडी काकुरी मौजूद होता है, वो एक ट्रे उठाता है पानी वाली और बोल्टो के सर में दे मारता है। तो बोल्टो को जैसी होश आता है तो बोल्टो बोलता, तुम पागल हो गए क्या? बोल्टो देखता है उसको चारों तरफ से बांधा हुआ होता है। तो काकुरी बोलता, तुम यहाँ पे जरूर मेरे को मारने के लिए हो, तुम्हें जरूर मुजीना गैंग ने भेजा है ना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दे सकता। तो बोल्टो बोला, अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे हिडनली विलेज वालों ने भेजा है, मैं तुम्हें बचाने के लिए हूँ, हमें तुम्हारा लेटर मिला था। तो काकुरी को अभी भी बोल्टो के ऊपर विश्वास नहीं होता। तो वो बोलता, तो अच्छा ये बताओ तुम वो जो लेटर था वो किस रंग के एनवेलप में था? तो बोल्टो बोलता, इतना थोड़ी याद है। तो काकुरी दोबारा ट्रे उठा लेता। तो बोल्टो बोलता, अरे ब्लू एनवेलप में था शायद, मुझे पक्का याद नहीं है। तो काकुरी उसको छोड़ देता है, उसको फ्री कर देता है। तो बोल्टो बोलता है कि अच्छा तो तुम ठीक तो हो ना? तो काकुरी उसको बताता है कि जैसे सूखियो यहाँ पे आया था तो मैंने उससे लड़ने की एक्टिंग करी, तो गार्ड्स ने उसको सॉलिटरी कंफाइनमेंट में भेज दिया और मेरे सर पर चोट लगी थी इसलिए मुझको यहाँ पे भेज दिया। तो बोल्टो बोलता, तुम्हें देख के ऐसा लगता तो नहीं कि तुम बुरे आदमी हो, तुम यहाँ पे फंसे कैसे? और मैंने सुना था कि तुमने उस गैंग के कुछ पैसे वैसे चुराए थे। तो काकुरी बताता है, मैं तुमको सब कुछ एक बार में एक्सप्लेन कर दूँगा, बस एक बार मुझे तुम यहाँ से निकाल के हिडन लीव विलेज ले चलो। तो बोल्टो बोलता, अच्छा वो तो मैं ले चलूंगा, लेकिन तुम मुझे ये बताओ तुम्हारी सजा कितने दिनों की बाकी है? तो काकुरी बोलता है, पता नहीं कितने दिनों की बाकी है, लेकिन शायद मेरे हिसाब से 10 सालों की और बाकी है। तो बोल्टो बोलता, 10 सालों की तुम्हें पक्का पता भी नहीं है? तो काकुरी बोलता है, लॉजिकली तो अब तक मुझे बाहर निकल जाना चाहिए था, लेकिन एक बार ऑफिसर बैंगा को मैंने एक कैदी को मिसट्रीट करते हुए देख लिया तो मुझे गुस्सा आया और मैंने ऑफिसर बैंगा को पंच मार दिया, जिसके चक्कर में उन्होंने मेरी सजा बढ़ा दी। तो बोल्टो हंसने लग जाता है, बोलता, चिंता मत करो, मैं तो जब तक यहाँ पे हूँ तब तक तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी लेता हूँ। तो काकुरी बोलता है, लेकिन तुम ध्यान रखना, तुम्हारा थोड़ा सा भी ध्यान हटा तो कुछ भी कर सकते हैं लोग, जो सूखी है वो बहुत ज़्यादा मास्टरमाइंड है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जो सूखिया होता है वो सॉलिटरी प्रिजन में होता है, लेकिन उसका बाहर अभी भी कांटेक्ट होता है और वो एक लेटर बाहर निकाल के बोलता है, तुम्हारा काम कैसा रहा? तभी एक बंदा उस लेटर को उठा लेता है और वो सूखिया बोलता है कि अच्छा तो तुम तलवार चाकू का इस्तेमाल करने वाले हो, लेकिन चाकू ढंग से गढ़ना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बोल्टो जो होता है वो जाने लगता है। तो सूखिया बोलता, काकुरी बोलता, तुम अभी जा रहे हो? तो बोल्टो बोलता, मेरी तबीयत ठीक हो गई है और मैं ज़्यादा देर तक यहाँ पर रुकूंगा तो मेरे ऊपर शक हो जाएगा लोगों को। और बोल्टो ये बोल के जाने लगता है। तो सूखिया बोलता, काकुरी बोलता, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे ऊपर ट्रे से मार सकता हूँ। तो बोल्टो बोलता, नहीं नहीं जरूरत नहीं है इसके। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है, वो बोल्टो को बोलता, तुम नीचे गिरी हुई कोई भी चीज़ें खाना मत, वरना दोबारा ऐसा हो सकता है। तो हम लोग देखते हैं वहाँ पे कुछ गार्ड जो होते हैं और बोल्टो से जबरदस्ती करने लगते हैं, बोलते जल्दी चलो। तो प्रिजन जो डॉक्टर होता है उनको डांट देता है, बोलता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिजन के ऊपर ऐसा हरकत करने की? तभी हम लोग होते हैं पीछे से एक बंदा काकुरी के रूम के अंदर घुस जाता है और काकुरी के ऊपर चाकू से अटैक कर देता है। काकुरी जोर से चिल्लाता है, तभी बोल्टो वहाँ पे आता है और वो गार्ड्स को बोलता है कि इसके ऊपर किसी ने अटैक किया, जल्दी से उसको ढूंढो किसने अटैक किया। तो डॉक्टर वहाँ पे चौंक जाता है और बोलता है कि किसी ने यहाँ पे अटैक कैसे गिरा दिया? मेडिकल वार्ड की सिक्योरिटी तो बहुत ज़्यादा टाइट है, कोई यहाँ पे अंदर कैसे घुस सकता है? और वुडन टैग के बिना तो कोई अंदर घुस ही नहीं सकता और किसी प्रिजनर्स के पास वुडन नहीं है, मतलब किसी अंदर के आदमी ने यह सब किया है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं एक प्रिजनर की ड्रेस पहने हुए एक आदमी के पास हाथ में वुडन टैग होता है और वो वहाँ से भाग गया होता है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।